आज से ठीक 10 दिन पहले ये खबर आई थी कि करीना कपूर को करण जौहर की पार्टी में शामिल होने के बाद कोरोना हो गया है। वो कोरोना की शिकार हो गई है। बहुत सारे लोगों के कोरोना के शिकार होने की खबरें आई थी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई थी, कितनी नहीं है, कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था, ये भी आप कह नहीं सकते हैं। हालांकि इनकी जो बहन है करिश्मा कपूर, इस तरह से लोगों से प्रार्थना करने के लिए बोल रही थी कि मानो करीना कपूर की जिंदगी में बस कुछ ही दिन बचे हों। और हो क्या रहा है कि करीना कपूर पार्टी करते हुए नजर आ रही है, वो भी क्रिसमस की। करीना कपूर की खबर को लेकर ये बताया जा रहा है कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट, ओमिक्रॉन की रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट निगेटिव आई है। वो ठीक है और ठीक होते ही बिना मास्क लगाए वो क्रिसमस पार्टी करने पहुंच गई अपने बच्चों के साथ में। अब सोचिए, जिस इंसान को कोरोना होता है वो ठीक भी हो जाए तो क्या वो इतना फ्रेश नजर आएगा जिस तरह से करीना कपूर नजर आ रही है? इंसान की हालत खराब हो जाती है, उसकी शारीरिक जो शक्ति होती है एकदम ऐसी हो जाती है कि वो कुछ दिन तक तो उठ ही नहीं पाता है। बहुत सारे लोगों को जान पहचान में कोरोना हुआ था, जिन्हें हुआ उन्हें 2.5 महीने 3 महीने तक काफी कमजोरी नजर आई थी, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और यहाँ करीना कपूर 10 दिन में ही एकदम से चंगी भली हो गई और क्रिसमस की पार्टी करते हुए नजर आ रही है, वो भी बिना मास्क के। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि करीना को वाकई कोरोना हुआ था या सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट था मीडिया में बने रहने के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद लाल सिंह चड्ढा आने वाली है। या फिर कुछ और हो सकता है कि भाई एक माहौल बनाया जा रहा हो कोरोना को लेकर, लॉकडाउन भी तो लगाना जरूरी है।